गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी टीचर. बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है सर्वनाम. सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम. इसका अर्थ वे शब्द जो सभी नाम शब्दों के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जहाँ संज्ञा का प्रयोग ना हो वहाँ सर्वनाम का प्रयोग होता है. उदाहरण जैसे यहाँ, वहाँ, तुम, हम, मैं, आप, आदि, उसका, इसका, ये, वे, इन्हें, उन्हें, ये सारे जो हैं शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं. उदाहरण के रूप में सर्वनाम के मुख्य जो भेद हैं वो आपके सर्वनाम के मुख्य रूप से छह भेद हैं. पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष. ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने के लिए, अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है. जैसे मैं राहुल हूँ तो यहाँ मैं जो है वो अपने लिए कहा है, तो उत्तर तुम क्या खा रहे हो, ये दूसरे के लिए है यानी सुनने वाले के लिए, तो यह मध्यम पुरुष हो जाएगा. वह हंस रहा है किसी और के लिए है, तो यह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष हो जाएगा. तो इस प्रकार से आपके ये पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हो जाएंगे, प्रथम, मध्यम और उत्तम. सर्वनाम और सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं. इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, वह, यह, तुम, हम, यह, ये सब, तुम लोग, तुम सब, हम, हमारे, हमने, एक वचन बहुवचन में होते रहते हैं. इनके लिंग नहीं बदलते परंतु वचन बदलते हैं सर्वनाम के. सर्वनाम सब स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में एक समान प्रयोग किए जाते हैं, इसमें लिंग में कोई भेद नहीं होता है, इसका केवल वचन बदलता है. जैसे पुल्लिंग वह जा रहा है, स्त्रीलिंग में भी वह जा रही, तो वह दोनों के लिए प्रयोग हुआ. सर्वनाम शब्दों के केवल वचन बदलते हैं. जैसे मैं, हम, तुम सब, यह, ये, तो इस प्रकार से ये लिंग में नहीं बदलेंगे परंतु वचन में बदल जाएंगे. तो इस प्रकार से ये सर्वनाम होते हैं. सर्वनाम को छह भेद हैं, उसको हमने बता ही दिया है. फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, ये इसके तीन भेद हो जाते हैं. तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम के भेद के बारे में जाना, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक. और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद जाने, उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुष. और ये भी जाना कि सर्वनाम शब्दों का प्रायः लिंग नहीं बदलता, केवल वचन बदलते हैं. तो इसके विषय में आपने ये जानकारी पाई इस वीडियो में. बच्चों, बस इतना ही. धन्यवाद.